मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस। स्टूडेंट, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में एक सेंटेंस इनकम्प्लीट दिया होता है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। यदि हम सेंटेंस को देखें तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तीन प्रकार के सेंटेंस ग्रामर में होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास तक केवल सिंपल सेंटेंस के फाइव पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस के फाइव पार्ट में असर्टिव सेंटेंस, एस बी को फॉलो करता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप, एक्सिलरी या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। असर्टिव सेंटेंस इट्स में भी अफर्मेटिव एंड इट में भी नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञात वाक्य। इसके अंतर्गत ऑर्डर, कमांड, निगेशन, निषेध और के नेबर से स्टार्ट होता है। एडवाइस, सजेशन आदि का बोध होता है। निगेशन डोंट के नेबर से प्रारंभ होता है और इसमें प्रेयर के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है प्लीज सर मैडम इत्यादि से प्रारंभ होते हैं। इस सेंटेंस की एक विशेषता होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वर्ड अलाज जो शोरों को इंडिकेट करता है, ब्रेवो जो शाबाशी को इंडिकेट करता है, हुर्रे जो प्रसन्नता को शो करता है, ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट होता है। और फाइव पॉइंट्स है इसके एक सिंपल सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस भाव सूचक वाक्य। इसमें दो चीजें स्टूडेंट होती हैं, विशेष कामना और ब्लेसिंग आशीर्वाद। ब्लेसिंग और विशेष दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और इसके अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अधिकांश सेंटेंस में से प्रारंभ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। अब स्टूडेंट्स आती है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट कैसे है, कैसे करें? ये अधिकांश कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स डॉट डॉट। अब इसका मतलब है ये कंडीशनल सेंटेंस है, इस क्लास है। इफ इट रेन्स यदि यह वर्षा, यदि वर्षा होगी, प्रेजेंट इंटरफेक्ट में है, फ्यूचर में मीनिंग निकलेगा। दूसरा सेंटेंस कोमा लगकर हमेशा फ्यूचर इंटरफेक्ट में बनेगा, आई शैल नॉट गो होम। इफ इट रेन्स यदि वर्षा होगी, आई शैल नॉट गो होम मैं घर नहीं जाऊंगा। दोनों ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, लेकिन पहला इलाज को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इस कोमे का मतलब हो जाता और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं।
दूसरा सेंटेंस बी गो टू स्कूल सो दैट स्टूडेंट, यदि सो दैट सेंटेंस में है और आगे कंप्लीट करना है तो सो दैट के साथ आने वाली जो क्लास होगी, आने वाला जो वाक्य होगा उसमें यदि ये प्रेजेंट में है तो माइट बी का प्रयोग, और यदि ये पास्ट में है पहली क्लास तो माइट का प्रयोग. सो दैट वी नो हाउ टू, वी मे नो हाउ टू राइट एंड रीड. हम पढ़ना लिखना सीख सके इसलिए हम कॉलेज या विद्यालय जाते हैं. तीसरा देखे वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस. यदि स्टूडेंट्स सेंटेंस के अंत में लेस है या फिर पहली क्लास में लेस लगा हुआ है तो दूसरी क्लास जो भी स्टार्ट होगी उसमें मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग होगा. तो वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, लेस यू शुड फॉल डाउन और दो या वो दो दोनों का मीन्स यह थी ही इज वर. अब देखिए स्टूडेंट डॉट डॉट दो या और दो से यदि सेंटेंस प्रारंभ है यद्यपि वह गरीब है तो इसमें यहाँ बट का प्रयोग कभी नहीं होता, यट का प्रयोग कर सकते हैं. यट ही गॉट ए कार. एग्जाम्पल नंबर फाइव ही, या देखिए इन स्पाइट ऑफ जब थ्री पोजिशन है डूइंग वर्क हार्ड. अब देखिए पहले सेंटेंस में कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इसी से रिलेटेड सेंटेंस लिखेंगे ही पास. इन स्पाइट ऑफ डूइंग वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद. अब इसके अपोजिट सेंटेंस आएगा ही फेल. Five examples. I have taught you in this video. I hope you will be understood by this video. Thanks, students. Have a nice day. Chalo.